फ्रंट लाइन वर्कर्स की 1,00,000 पोस्ट है और इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए 6 प्रकार के कोर्स बनाए गए हैं जो कि विशेष कोर्स है, ठीक है। जो इनको करेंगे वे 1,00,000 पोस्ट उनके लिए होगी, ठीक है। और ये वाले जो पोस्ट है, ये कोरोना काल चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल तक ही ये पोस्ट रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पोस्ट भविष्य में रहेंगी क्योंकि मेडिकल स्टाफ की बहुत कमी है इंडिया के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने में ख़त्म हो जाएगी, अगर कोरोना ख़त्म हो गया तो ये पोस्ट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो डॉक्टर है उनकी हेल्प करने के लिए पोस्ट बनाई गई है, ठीक है, और इनका ख़त्म होने का कहीं से कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो ये परमानेंट के लिए जॉब रहने वाली है, ये डाउट मन में से निकाल देना कि ये 2-4 महीने की जॉब है, परमानेंट के लिए रहने वाली है, ठीक है, तो डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये 3 महीने के कोर्स हैं, 6 कोर्स हैं, 3 महीने के बाद उसको जॉब मिल जाएगी सरकारी अस्पताल में, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और जिला अस्पताल में, ठीक है। तो ये कोर्स है, मैं इनके बारे में बता देता हूँ पूरी डिटेल क्या होता है। पहला कोर्स का नाम है होम केयर सहायक, होम केयर सपोर्ट। इसका कार्य क्या होता है, इस कोर्स को करने के बाद उम्मीदवार मरीजों के घर पर स्वास्थ्य सहयोगी के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अंतर्गत उन्हें मरीजों को अपने घर ही होम आइसोलेशन के नियम बताने होंगे व उनका ऑक्सीजन, तापमान, पल्स, बीपी मापना होगा। तो इस कोर्स करने के बाद जो मैंने अभी कार्य बताए हैं वे कार्य करने होंगे, ठीक है। नंबर 2 की बात करते हैं, सैंपल कलेक्शन सहायक, ठीक है, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट। तो इस कोर्स को करने के बाद, पूरा करने पर सैंपल कलेक्टर्स बन सकते हैं। इसके अंतर्गत उन्हें स्वाब व सैंपल संग्रह, रैपिड एंटीजन टेस्ट व विजिट कोविड शिष्टाचार का पालन करते हुए साइट विजिट करना होगा। तो कहने का मतलब, सैंपल लेने होंगे जो इस प्रकार के कोविड के मरीज हैं या अन्य कोई मरीज हैं, तो ये जो है ना, ये सैंपल इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो जो मैंने कार्य बताई है, इस प्रकार के टेस्ट कर सकेंगे। तीसरा, चिकित्सा उपकरण सहायक, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट। इसके अंतर्गत नंबर 3 में उन्हें वेंटिलेटर, BIPAP व CPAP, ऑक्सीजन उपकरण, डिजिटल थर्मामीटर का संचालन आदि कार्य करने होंगे, ठीक है, इसका कार्य ये होगा। नंबर 4 पर बात करते हैं, आपातकालीन केयर सहायक, इमरजेंसी केयर सपोर्ट। ये नंबर 4 पर बात करते हैं, इस कोर्स को करने के बाद उम्मीदवार अब इमरजेंसी मेडिकल तकनीशियन बन सकते हैं। इसके अंतर्गत उन्हें पेशेंट को पोजिशनिंग, एम्बुलेशन व प्रोनिंग के लिए सहायता देनी होगी। तो इस कोर्स करने वाले का ये कार्य है। नंबर 5 पे बात करते हैं, बेसिक केयर सहायक, बेसिक केयर सहायक कोर्स करने के बाद अब जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अंतर्गत उन्हें डाटा मैनेजमेंट व अन्य भूमिकाएं निभानी होगी, ठीक है। तो जो इसके कार्य हैं सेम वही इसके कार्य है, इसके कार्य थोड़े बढ़ जाते हैं, एडवांस है ये, सेम ही है बेसिक केयर सहायक तो एडवांस, यानी कि इससे थोड़ा हाई लेवल का, इसमें थोड़ा 1-2 कार्य बढ़ जाता है, तो इसके और उसके सेम ही कार्य होते हैं। तो जो मैंने बताया आपसे ये 6 कोर्स के बारे में, अब आप पूछ रहे होंगे कि अच्छा कोर्स कौन से है, आप अपने हिसाब से कोई भी कोर्स चुन सकते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर कोर्स की लिस्ट आ जाएगी, और ये 6 कोर्स मिलेंगे, इनमें से कोई भी आप भर सकते हैं, जैसे अपने अपने हिसाब से। अगर किसी को घर पर जाना है, मरीजों की देखभाल घर पर करनी है, होम केयर सहायक, तो इसका कार्य केवल घर पर ही होगा, जहाँ जहाँ पर कोरोना के पेशेंट होंगे उनको दवाई देना, उनको कोरोना के बारे में समझाना,
ठीक है, कोरोना के नियम बताना, तो उसका कार्य फील्ड का होगा, ठीक है। और ये भी ज़्यादातर फील्ड का काम हो सकता है, सैंपल कलेक्शन का और अस्पताल का भी हो सकता है, क्योंकि इसको सैंपल इकट्ठा करना है, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। और ये डिजिटल थर्मामीटर का कार्य करना होगा इसको, नंबर 3 पर, ये भी कर सकते हैं, ये भी ठीक ही कोर्स है, ठीक है। और ये भी ठीक ही है, आपातकालीन केयर सहायक। तो इनमें से जो आपको अच्छा लगता है, जो मैंने इनके कार्य है वो बता दिए हैं, अब आपकी मर्जी है, आपको जो कोर्स अच्छा लगता है अपनी सुविधा के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई समस्या आ रही है, तो हम अगली वीडियो में बता देंगे, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमारे लिए टाइम के हिसाब से कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, लड़कियों के लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, लड़कों के लिए कौन सा रहेगा। और ये कोर्स बिल्कुल 100% फ्री है, कोई पैसा नहीं देना, बल्कि जब आप कोर्स करोगे 3 महीने तक, तो आपको मानदेय भी दिया जाएगा सरकार की ओर से, रहना खाना सब फ्री होगा, ठीक है, ट्रेनिंग फ्री होगी, सब फ्री होगा। तो इस दौरान आपको सैलरी भी दी जाएगी, और उसके बाद तो सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, 3 महीने के बाद वो तो तय है, ठीक है। तो आप अपने टाइम के हिसाब से, कि जैसे महिला है कि मुझे महिलाओं के हिसाब से कौन सा कोर्स जो है अच्छा रहेगा, और लड़के हैं उनके उनको तो मैं तो कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इनमें से, ठीक है। खासकर महिलाओं को थोड़ी समस्या होती है बाहर जाने में, तो उनको उनके लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो ये जानकारी थी हमारे पास, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने यार दोस्तों को इस वीडियो को भेज देना, और ताकि मैं भी इस प्रकार के कोर्स कर सके, और जो 1 लाख की पोस्ट है उसमें फॉर्म भर सके, ठीक है, और यानी कि अपनी जॉब प्राप्त कर सके। और इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में घंटे का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।